तो आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 8.1 का। हमने कल के वीडियो में यहाँ तक कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्लास 9th मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटर। 8.1 एक्सरसाइज हम कर रहे थे लास्ट वीडियो में, यहाँ तक हो गया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। शो दैट डायगनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बायसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी चार साइड होती है, तो ये क्वाड्रिलेटरल है। अब हमें शो करना है, शो दैट इफ द डायगनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बायसेक्ट ईच अदर। इसने बोला कि ये जो डायगनल्स है ना, इनको हम बोलते हैं डायगनल्स, ये एक दूसरे को बायसेक्ट कर रही है, मतलब ये वाली इसके बराबर है और ये वाली इसके बराबर है। शो दैट इफ द डायगनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बायसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अ रॉम्बस। और ये राइट एंगल पे क्या कर रही है, बायसेक्ट कर रही है, तो ये प्रूफ करना है कि ये रॉम्बस है। तो रॉम्बस प्रूफ करने के लिए हमें चारों साइड्स इक्वल प्रूफ करनी पड़ेंगी, चारों साइड इक्वल प्रूफ करनी पड़ेंगी रॉम्बस प्रूफ करने के लिए। चलो इसको कर लेते हैं। वहां पे करते हैं, तो अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 8.1 का। तो इन्होंने क्या बोला है कि एक क्वाड्रिलेटरल, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, इसको मैं नाम दे देती हूँ ए बी सी और ये डी, और इसकी जो है डायगनल्स है ना, इनको हम कहते हैं डायगनल्स। इसकी जो है डायगनल है, एक दूसरे को बायसेक्ट करती है, बायसेक्ट मतलब ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, ठीक है। ये 90 डिग्री है, ये भी दे रखा है हमें, ये दे रखा है 90 डिग्री, तो ये सब 90 90 90, चारों 90 डिग्री, और इसको मैं ओ मान लेती हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, ए ओ बी और बी ओ सी। तो इसमें चलो हम प्रूफ, जो हमें प्रूफ करना है कि ये क्या है, रोम्बस है। तो रोम्बस प्रूफ करने के लिए चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए ना रोम्बस की, चारों साइड इक्वल प्रूफ करनी पड़ेंगी। चारों साइड इक्वल कैसे प्रूफ होंगी, कोई भी दो ट्रायंगल ले लो, ये दोनों ट्रायंगल ले लें हमने सबसे पहले, ए ओ बी और बी ओ सी। तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल, तुम कर दोगे खुश, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है बस, ट्रायंगल ए ओ बी और बी ओ सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, तो दो ट्रायंगल हमने लिए। सबसे पहली चीज देखो, ओ बी तो इसके अंदर कॉमन है, तो लिख दो ओ बी इज इक्वल टू ओ बी, ब्रैकेट में हम लिखेंगे कॉमन, कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स के अंदर, ये जो साइड है ये क्या है, कॉमन है। तो हम यहाँ रीजन हमेशा लिखना होता है ब्रैकेट में कि क्यों इक्वल बताया आपने, क्योंकि कॉमन है। अब ओ ए और ओ सी ये हमें दे रखा है, गिविन है, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ये दोनों भी क्यों इक्वल है, या रीजन देना पड़ेगा। रीजन हमने दिया है कि गिवन, कि क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कि ये दोनों इक्वल है, क्वेश्चन ने बोला ना कि बायसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो ये भी दे रखा है हमें, ठीक है। और ये दोनों एंगल 90 90 डिग्री के, तो ये दोनों भी इक्वल है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी हमें गिवन है। इन्होंने बोला ना कि बायसेक्ट कर रही है, जो डायगनल्स है वो बायसेक्ट कर रही है एक दूसरे को 90 डिग्री पे। तो ये हो गया हमारा एस ए एस, एस से एस कॉन्ग्रुएंसी रूल हो गया। तो बाय हम यहाँ लिखेंगे बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल लिख लेना यहाँ पे, बाय एस एस कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राई एंगल
ओ बी इज कॉन्ग्रूएंट टू ट्राई एंगल बी ओ सी। अब देखो कॉन्ग्रूएंट का मतलब क्या होता है कि सारे जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो इक्वल हो जाते हैं अपने आप ही। जैसे ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ये तो है ही ऑलरेडी, ये ऑलरेडी ये वाली भी इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है, ये वाली साइड भी इसके इक्वल हो जाएगी। तो ये हमने प्रूफ कर दिया ना, ए बी इज इक्वल टू बी सी, हमने प्रूफ कर दिया ए बी इज इक्वल टू बी सी। हम यहां लिखेंगे बाय सी पी सी टी। तो सी पी सी टी से हमने ये दो साइड तो प्रूफ कर दी कि ये जो दो साइड है ये आपस में क्या है, दोनों की दोनों इक्वल है, ठीक है, ये प्रूफ कर दिया हमने। सिमिलरली सेम तरीके से हम क्या प्रूफ कर देंगे, हम प्रूफ करेंगे कि जो ए, अब इन दोनों को प्रूफ कर दो बी सी और सी डी, अब वापस से ये दो ट्राइंगल लेंगे सेम तरीके से जैसे ये करा है ना, सेम टू सेम वैसे ही अब हम लेंगे बी ओ सी और सी ओ डी और इन दोनों को कॉन्ग्रूएंट प्रूफ करेंगे। ये दोनों कॉन्ग्रूएंट हो जाएंगे तो ये दोनों साइड भी इक्वल हो जाएंगी, इन दोनों को तो हमने इक्वल कर ही दिया, इन दोनों को तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगी, फिर इन दोनों ट्राइंगल को कर लेंगे तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगी। तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके, तो चारों आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो हमें यहाँ करना नहीं है, बस यहाँ हम लिखेंगे सिमिलरली, सिमिलरली इसी तरीके से, मतलब जैसे ऊपर किया ना सिमिलरली का मतलब इसी तरीके से, सेम इसी तरीके से करना है और ये चारों साइड्स को इक्वल प्रूफ कर देना है। सिमिलरली बी सी इज इक्वल टू सी डी, फिर हम प्रूफ कर देंगे सी डी इज इक्वल टू ए डी और ए डी इज इक्वल टू ए बी। सेम तरीके से हम इन सबको इक्वल प्रूफ कर देंगे। तो ये जब सब आपस में इक्वल है तो ये रोम्बस प्रूफ हो गया। तो हम यहाँ लिख देंगे देयर फोर, के बाद में यहाँ कर रही हूँ देयर फोर ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और बराबर डी ए। तो ये चारों की चारों साइड्स आपस में इक्वल हो गई हैं, चारों की चारों साइड आपस में इक्वल प्रूफ कर देना, तो ये जो है ये क्या है, हमारा रॉम्बस है। तो ए बी सी डी इज अ रॉम्बस, हैंस प्रूव्ड, बस यहाँ पे खत्म, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। ए बी सी डी इज अ रॉम्बस और हैंस प्रूव्ड, और ये हमारा खत्म हो गया यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। मैं इसको रब कर रही हूँ, मिटा रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। कोई भी डाउट हो तो पूछ लिया करो, कुछ है ना बीच में पूछ लिया करो। क्वेश्चन नंबर 4th, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। अब इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि एक स्क्वायर है तेरा स्क्वायर, तो इसने बता दिया ये स्क्वायर है, स्क्वायर है तो इसकी चारों साइड बराबर होंगी, पहली तो बात ये चारों साइड इक्वल होंगे, ये स्क्वायर है तो ये वाले एंगल 90 90 डिग्री होंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने कह दिया कि हम ये एक स्क्वायर है तो ये हम अपने आप ही मानेंगे सारी चीजें, ठीक है। शो दैट द डायगनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, ये शो करना है कि जो इसकी डायगनल है ना, मतलब ये वाली और ये वाली, ये दोनों क्या है, बराबर है, ये शो करना है। एंड बायसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये दोनों बराबर भी हैं और ये बायसेक्ट भी करती हैं, बायसेक्ट मतलब ये इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है, 90 डिग्री में बायसेक्ट करती है एक दूसरे को, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे कर लेते हैं, चलो इसको भी नंबर फोर्थ, नंबर फोर्थ वापस से बता देती हूँ। इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि एक स्क्वायर है हमारे पास ए बी सी, स्क्वायर है तो चारों साइड बराबर होंगी, क्या मान लेते हैं पहले से, स्क्वायर है तो सारे एंगल 90 90 डिग्री के होंगे, ये भी हम मान लेते हैं। अब इसने बोला कि प्रूफ करो कि ये जो डायगोनल है ना ये दोनों इक्वल है,
ये जो दो डायगनल है एसी और बीडी, एसी और बीडी आपस में क्या इक्वल है, तो अपन दो ट्रायंगल लेंगे, एक तो हम लेंगे ए बी सी ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल हम लेंगे बी ए डी, मतलब इस तरीके से ले लो कि ये दोनों डायगनल्स आ जाएं सबसे पहले, क्योंकि इन्होंने बोला ना कि प्रूफ करो कि ये जो दोनों डायगनल्स हैं ये क्या है, इक्वल है दोनों डायगनल, तो दोनों ये ट्रायंगल ले लो जिसके अंदर ये डायगनल आ रही हो और दूसरा ट्रायंगल ले लो जिसमें ये डायगनल आ रही हो, उन दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो बस। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो एक तो ये ट्रायंगल लिया ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल लिया ए बी डी, इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट अगर प्रूफ कर देंगे तो सारे पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं, तो डायगनल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे अपने आप ही, बस हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं फटाफट। तो देखो इसके अंदर ए बी तो कॉमन है, ए बी इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है और ए बी इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है, दोनों में आ रही है, तो ए बी बराबर ए बी, यहाँ हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए बी, और ब्रैकेट में हमेशा रीजन लिखना है, कभी भी खाली नहीं छोड़ना है ब्रैकेट को, ब्रैकेट में रीजन आएगा कॉमन, कॉमन का मतलब ये दोनों, ये जो ए बी साइड है ये दोनों ट्रायंगल के अंदर, इसमें भी और इसमें भी। अब ये एंगल 90 डिग्री है, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था कि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर के चारों एंगल 90 90 डिग्री के होते हैं, सिंपल सी बात है, तो यहाँ या तो गिवन लिख दो या फिर लिख दो ऑल एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर आर 90 डिग्री, ठीक है ये भी लिख सकते हो। तो दो चीज हमने प्रूफ कर दी, अब तीसरी क्या चीज होगी, तीसरी ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी, स्क्वायर में ये ऑपोजिट साइड इक्वल होती है ना, तो ए डी बराबर बी सी, बस ये भी हम लिखेंगे ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, ऐसे लिख दो या फिर लिख दो गिवन ऑल साइड ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है, तो ये तो एस एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, साइड एंगल साइड, तो बाय एस एस कॉन्ग्रुएंसी रूल पहली चीज हमारी प्रूफ हो चुकी है, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल लिख लेना यहाँ पे, ट्राई एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राई एंगल ए बी डी, तो ये दोनों के दोनों ट्राई एंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए, ये वाला ट्राई एंगल और ये वाला ट्राई एंगल, तो इसमें इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है मतलब इसके जो डायगनल है आपस में ऑलरेडी इक्वल हो गई, तो हम लिख सकते हैं कि ए सी बराबर बी डी ब्रैकेट में लिख दो बाय सी पी सी टी, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी, सी पी सी टी मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, दो अगर ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट यही होगा ठीक है, ये इस डायगनल का करस्पॉन्डिंग पार्ट ये नहीं हो जाएगा, ये नहीं होगा, जैसा है ना मतलब डायगनल है तो डायगनली, तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, तो ये दोनों डायगनल्स आपस में इक्वल, ये हैंस प्रूफ, पहली चीज तो हमने प्रूफ कर दी। अब हमें दूसरी चीज इन्होंने बोली है कि ये भी प्रूफ करो कि ये और ये इक्वल है, एक तो ये प्रूफ करो और ये प्रूफ करो कि ये भी इक्वल है, ये बोला है इन्होंने, ये और ये और ये और ये भी हमें प्रूफ करना है कि ये भी इक्वल है, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे दूसरे ट्रायंगल एओबी और सीओडी, एओबी और सीओडी जिसमें दोनों आ जाए, देखो ये दोनों आ गए ना और ये दोनों भी आ गए, तो एओबी और सीओडी हम ले लेते हैं, तो चलो इसको मिटा देती हूँ एक बार, ये आगे क्या है, ये तो एक ही चीज हमने प्रूफ करी है, अब दूसरी चीज हमें प्रूफ करनी है,
नहीं उठा रही हूँ। तो हम यहां लेंगे इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल सीओडी, दो ट्रायंगल मतलब ऐसे ट्रायंगल ले लो जिसमें देखो एओबी के अंदर ये दोनों साइड आ गई ना, और इसमें दोनों साइड आ गई, तो इस तरह के ले लो। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर तो कुछ कॉमन है नहीं, कोई भी साइड कॉमन नहीं है, इनमें कॉमन तो कुछ भी है नहीं। इसमें हम लिखेंगे, इसमें देखो एबी और सीडी ये दोनों बराबर है। चलो मैं इसको अलग अलग कलर से कर देती हूँ। हमने ये दो ट्रायंगल लिए, एक तो लिया है हमने एओबी और एक हमने लिया है सीओडी, और इसमें हमें प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल है, ये और ये वाली साइड है ना, जो ये साइड ओए ओए ओसी के बराबर है, ये प्रूफ करना है हमें। करते हैं इसको, तो देखो इसमें सबसे पहले हम लिख देंगे एबी इज इक्वल टू सी डी। ए बी और सी डी आपस में बराबर है, लिख दो, क्योंकि साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। ठीक है, ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, ये भी लिख सकते हो या फिर गिवन लिख दो। एक तो ये चीज हो गई इसके अंदर, ये दोनों आपस में इक्वल है। और क्या हो जाएगा इसके अंदर, और हो जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऐसे होते हैं, देखो ऐसे जब एक्स बनता है तो ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहलाते हैं, और ये वाले भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ये वाले भी। ठीक है, एक्स बनता है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो एंगल एओबी इज इक्वल टू एंगल बीओसी, ब्रैकेट में हम रीजन लिखेंगे, हमेशा रीजन लिखना है। रीजन क्या आएगा यहाँ पे, वर्टिकली ओपोजिट एंगल। रीजन हम लिखेंगे वर्टिकली ओपोजिट एंगल। ठीक है, तीसरी क्या चीज लिखेंगे यहाँ पे, जेड बनेगा, क्योंकि अगर ये साइड आपस में इक्वल है, पैरेलल है, तो ऑल्टरनेट एंगल भी इक्वल होंगे ऑब्वियसली, तो ये ऑल्टरनेट एंगल ये बन रहा है जेड। ए बी ओ, तो यहाँ लिखेंगे एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल ओ बी सी, ब्रैकेट में लिखेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स। ये फुल फॉर्म लिखनी है पूरी, ऐसे शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है एग्जाम में बिल्कुल भी। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, लेकिन एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना है, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो अभी कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल हो गया हमारा, ये हो गया हमारा ए ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, क्योंकि दो एंगल है और एक साइड है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे एंगल 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 और साइड, तो बाय ए ए एस कॉन्ग्रुएंसी, ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्राइंगल सी ओ डी, दोनों ट्राइंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, तो ये वाली साइड हमें क्या प्रूफ करना था, ओ बी और ओ डी को इक्वल करना था ना, तो ओ बी ओ डी इक्वल हो जाएंगे, ओ बी बराबर ओ डी बाय सी पी सी टी, यहाँ पे लिखना है बाय सी पी सी टी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ओ डी है, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। और क्या हो जाएगा, ओ ए इज इक्वल टू ए ओ सी, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, तो दोनों बाय सी पी सी टी से ये दोनों की दोनों क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, अब ये जो दोनों एंगल्स हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल,
यहाँ पे इतना प्रूफ हो गया। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो है ये एंगल 90 डिग्री का है, ये भी शो करना है ना हमें कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ये वाला भी 90 डिग्री का है, 90 90 डिग्री भी शो करना है। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, एक और ट्राइंगल लेना पड़ेगा, AOB और BOC, इन दोनों को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा इन दोनों को। तो यहां तक तो हमने क्या प्रूफ करा है कि जो डायगनल्स है वो बायसेक्ट कर रही है, बायसेक्ट करना ये प्रूफ कर दिया ना, ये प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड लिख देंगे हम यहाँ पे। तो अब तीसरा, ये दो चीज हुई है, अब तीसरा क्या करना है हमें, तीसरा हमें प्रूफ करना है कि ये एंगल 90 90 डिग्री के, 90 90 डिग्री के। तो पहले इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, इनको अलग कलर से ले लेते हैं। अब हम लेंगे ये दोनों ट्रायंगल, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा, ये बस ये लास्ट है। तो हम यहाँ लिखेंगे AOB और यहाँ आएगा BOC, AOB एंड ट्रायंगल BOC, BOC के अंदर OB और OB तो एक वो हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी OB तो यहाँ पे हटा देते हैं, पर तो देखो इसमें OB तो क्या है, कॉमन, यहाँ लिख रही हूँ मैं नीचे की तरफ, OB इज इक्वल टू OB, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, कॉमन, क्योंकि ये कॉमन है, ये दोनों ट्रायंगल में आ रही है ये साइड। अब हम लिखेंगे AB और BC बराबर है, AB इज इक्वल टू BC, या तो गिवन लिख दो या लिख दो साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, ऑल साइड ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। फिर हम लिखेंगे OA बराबर OC, हम प्रूफ कर चुके हैं OA इज इक्वल टू OC, यहाँ लिख देना प्रूव्ड अबव, प्रूव कर चुके हैं प्रूव्ड अबव, पर हम इसको प्रूव कर चुके हैं। फिर हम लिखेंगे बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC, दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे CPCT से। तो हम लिख सकते हैं एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC, AOB और BOC दोनों क्या है, इक्वल हो जाएंगे आपस में, ये जो दोनों एंगल्स हैं ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, अब बस एक लास्ट चीज करनी है, ये लीनियर पेयर भी बना रहे हैं, एक सीधी लाइन भी बन रही है ना यहाँ पे, लीनियर पेयर भी बना रहे हैं, तो इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे के बाद, इसके बाद यहाँ पे कर रही हूँ, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल AOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में हमेशा रीजन लिखना है कि 180 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये लीनियर पेयर बन रहा है, स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री की होती है, लीनियर पेयर बोलते हैं उसको। अब ये दोनों एंगल तो इक्वल है आपस में, तो AOB और इधर भी AOB लिख दो, तो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल AOB, AOB दो बार आ गए ना, इज इक्वल टू 180, AOB क्या प्रूफ हो गया 180 डिग्री, तो एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, 180 डिवाइडेड बाय 2, ये प्रूफ करना था, ये हो गया प्रूफ, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तीन चीज प्रूफ करनी थी हमें, हमें प्रूफ करना था कि एक ट्रायंगल, एक ये स्क्वायर है और उसकी डायगनल्स इक्वल प्रूफ करनी थी, वो हमने कर दी थी। फिर हमें बोला था कि डायगनल्स बायसेक्ट करनी चाहिए, वो भी प्रूफ कर दिया। फिर बोला था कि डायगनल्स 90 डिग्री पे बायसेक्ट करना चाहिए, वो भी प्रूफ कर दिया, तीन चीजें प्रूफ करनी थी। तो ये क्वेश्चन हो गया खत्म, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 कर लेते हैं अब,
Show that if the diagonals of a quadrilateral are equal, तो फाइव में क्या करना है हमें? शो करना है कि इफ द डायगनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बायसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अ स्क्वायर. इसका उल्टा दे दिया ऊपर वाले का. अभी कर लेते हैं. आठ है ना. ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या है? शो दैट इफ द डायगनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल. एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल मतलब फोर साइडेड फिगर. शो दैट इफ द डायगनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, कि इसके जो डायगनल्स क्या है इक्वल है. ये दे रखा है कि ये दोनों बराबर है डायगनल. एंड बायसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. और बायसेक्ट भी करती है मतलब ये इसके बराबर है. बायसेक्ट करना मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. और ये इसके बराबर है, 90 डिग्री पे बायसेक्ट कर रही है. ठीक है, तो ये जो सारे एंगल्स होंगे ये 90 90 डिग्री, ये सब 90 90 डिग्री हो जाएंगे. तो ये सब तो गिवन है. अब इसने बोला है कि ये स्क्वायर है, ये प्रूफ करो कि ये स्क्वायर है. स्क्वायर के लिए हमें एक तो चारों साइड्स को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा, और एक कोई भी एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना पड़ेगा. ये दो चीजें प्रूफ करनी है इसमें में. तो दो बार हमें कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाना पड़ेगा इसमें. वो कर लेते हैं इसको भी. चलो नंबर फाइव, यहाँ पे मैं वापस से समझा देती हूँ एक बार. ये एक हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी. ठीक है, इसमें हमें दे रखा है कि जो ए सी है और जो बी डी है, मतलब ये जो डायगनल्स है ये आपस में इक्वल है, ये दे रखा है. और हमें दे रखा है कि जो ओ ए है और ओ सी है ये दोनों इक्वल है. और दे रखा है कि ओ डी है और ओ बी है ये भी इक्वल है आपस में, ये भी दे रखा है. और दे रखा है कि ए ओ भी 90 डिग्री है, बी ओ सी भी 90 डिग्री है, ये सब 90 90 डिग्री, ये सब कुछ दे रखा है. हमें शो करना है कि ये क्या है, एक स्क्वायर है. स्क्वायर शो करने के लिए सबसे पहले चारों साइड को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा. तो इसके लिए हम दो ट्रायंगल लेंगे. खुशी तुम करोगे इसको? मैं बताती हूँ कौन से दो ट्रायंगल लेंगे. AOB और COD, ये दो ट्रायंगल ले लो. इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दोगी क्या? ऐसे हो जाएंगे. इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल, हाँ करो तो करो, लिखो. AOB और COD दो ट्रायंगल ले लो कुछ. AOB एंड COD, हाँ हमने दो ट्रायंगल लेंगे. इसके अंदर देखो OA और OC बराबर है दे रखा है, ये लिख दो एक तो. OA और OC क्या है, इक्वल है. गिवन लिख दो चाहे, या फिर लिख दो डायगनल बायसेक्ट ईच अदर, तो क्योंकि गिवन है दे रखा है क्वेश्चन. अब लिख दो OB बराबर OD. OB और OD भी हमें दे रखा है कि इक्वल है. OB इज इक्वल टू ओडी, हाँ बहुत अच्छे. ये भी लिख दो गिवन है, ये भी दे रखा है. ठीक है, यही लिख दिया सेम. अब ये AOB इज इक्वल टू COD लिख दो 90 डिग्री. एंगल AOB, हाँ दोनों गिवन हो गए तो हो गया. एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD. एंगल का साइन लगा दो कुछ. एंगल का साइन इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी गिवन है हमें. तो बाय एस ए एस, अब नीचे लिख दो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल. तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं.
बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ सी। तो दोनों के दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ए बी और सी डी बराबर हमने प्रूफ कर दी बाय सी पी सी टी। हाँ बाय एस एस ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है नीचे लिख दो कि ए बी बराबर सी डी और ब्रैकेट में लिख दो बाय सी पी सी टी। ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये इसके नीचे लिखा जाएगा ए बी इज इक्वल टू सी डी, ब्रैकेट में हम लिख देंगे सी पी सी टी। ठीक है तो ए बी और सी डी हमने दोनों बराबर प्रूफ कर दी है, ए बी और सी डी इक्वल है, ठीक है तो ये दोनों इक्वल है तो अल्टरनेट एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे तो पैरेलल भी प्रूफ होगी। अब दूसरा प्रूफ करना है हमको, अब हम लेंगे ए ओ डी और सी ओ डी, ए ओ डी और सी ओ डी ये दोनों पास पास के ट्रायंगल ले लो। ये पूरा मिटा देते हैं, पूरे को मिटा दो। अब हम लेंगे यहाँ पे ए ओ डी, यहाँ अब लिखो कुछ नहीं वापस से लिखो ए ओ डी और सी ओ डी, डी लेंगे इस बार डी, ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। तो ये दो ट्रायंगल हम लेंगे, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है इस बार। मैं अलग कलर कर देती हूँ इनमें, ए ओ डी और सी ओ डी, इसमें ओ डी ओ डी तो कॉमन हो जाएगा, बहुत अच्छे ओडी और ओडी कॉमन हो जाएगा, ये दो ट्रायंगल लिया हमने। और ओ ए ओ सी गिवेन है, ठीक है बहुत अच्छे, और 90 डिग्री है एंगल ए ओ डी और सी ओ डी 90 डिग्री है वो भी गिवेन है। एंगल ए ओ डी और सी ओ डी 90 डिग्री हो जाएगा गिवेन। तो दोनों के दोनों ये कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय एस एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से, एस ए एस बाय एस एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ये दोनों जो ट्रायंगल है आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये जो दोनों साइड है, जो ए डी है, ए डी और सी डी, ये भी दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी, तो ए डी बराबर सी डी हो जाएगा। तो यहां से चारों साइड एक तरह से हमने इक्वल प्रूफ कर दिए, ठीक है यहां से हमारी जो चारों साइड्स हैं वो इक्वल प्रूफ हो गई है। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब जो हमारे दो एंगल हैं एडीसी और बीसीडी, एडीसी मतलब जो ये वाला है ए डी सी, ये वाला जो एंगल है और कौन सा है बी सी डी, बी सी डी ये वाला एंगल है, तो और हमें प्रूफ करने पड़ेंगे ये इक्वल, ये कर दिया ए ओ डी, ए ओ डी ये कर दिया और सी ओ डी ये कर दिया, ये भी कर दिया, फिर और मिटा देते हैं। फिर अब हमें क्या करना है देखो, अब लास्ट हमें प्रूफ करना है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होना चाहिए, ये प्रूफ करना है ना लास्ट। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ लिख दो, यहाँ हम लिखेंगे, चलो मैं लिख देती हूँ, एंगल ए डी सी, ए डी सी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ हम लिखेंगे इज इक्वल टू 180 को इंटीरियर एंगल्स है, क्योंकि ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो 180 डिग्री ब्रैकेट में रीजन लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना, यहाँ पे रीजन लिख देना को इंटीरियर एंगल्स। अब ये जो दोनों एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल आपस में क्या है बराबर है, तो हम यहाँ लिखेंगे ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 और एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी प्रूफ करना था ना हमें कि कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो इसके अंदर सबसे पहले या तो ये दो ट्रायंगल ले लेना, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये, और इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना एक बार, ठीक है इसमें ये साइड इसके बराबर, ये वाली कॉमन हो जाएगी, और तीसरी चीज हमारी हो जाएगी डायगोनल्स आपस में
इक्वल है, इसने दे रखा है कि डायगनल्स इक्वल है और बायसेक्ट करती है, तो ये हमारे दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इक्वल होने के बाद हम ये लिखेंगे और ये हो जाएगा अपना यहाँ पे खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया यहाँ पे फिनिश खत्म। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, बस आज यहीं तक ही करेंगे अभी। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। मिटा देते हैं एक बार।